नमस्कार, हिमाचल खबरनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं कैलाश वर्मा। सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ खास सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा, उपचुनावों की हार पर किया जाएगा मंथन। कहा, संगठन व सरकार स्तर पर भाजपा लेगी कड़े फैसले। केंद्र सरकार द्वारा कृषि कानून वापस लेने के फैसले का कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर ने किया स्वागत। कहा, नए सिरे से किसानों के उत्थान के लिए किया जाएगा कार्य। नगर निगम महापौर सत्या कौंडल की अध्यक्षता में FCPC की बैठक आयोजित। बैठक में 10 करोड़ के एस्टीमेट किए गए पास। भारतीय मजदूर संघ द्वारा शिमला के अंबेडकर चौक पर किया जाएगा धरना प्रदर्शन। संघ ने सरकार पर मजदूरों की मांगों की अनदेखी के लगाए आरोप। सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि उपचुनाव की हार पर मंथन के बाद संगठन और सरकार स्तर पर भाजपा कड़े फैसले ले सकती है। भले ही भाजपा में सभी निर्णय और चुनावी रणनीति सामूहिक तौर पर बनाई जाती है, लेकिन मंडी जिले से संबंधित होने के कारण हार की सारी जिम्मेदारी अपने सिर पर लेते हैं। उन्होंने कहा कि इस परिणाम को एक अलर्ट की तरह स्वीकार कर आने वाले समय में अधिक जोर से काम करेंगे। मुख्यमंत्री मंडी संसदीय क्षेत्र में उपचुनाव की हार पर मंथन बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि शिमला में 24 से 26 तक प्रदेश कार्य समिति की बैठक में विस्तार से चर्चा होगी। उसके बाद ही कुछ निर्णय संगठन और सरकार के स्तर पर लिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी आंकलन के आधार पर यही सामने आया है कि मंडी चुनाव सहानुभूति के कारण हारा है। कांग्रेस ने श्रद्धांजलि के नाम पर वोट मांगे, मगर हर बार श्रद्धांजलि का कार्ड नहीं चलेगा। आज मैं मंडी पालिका विधायकों के साथ हमारे पार्टी के मंडल के अध्यक्ष के अतिरिक्त हमारे पदाधिकारी सबके साथ आज सुबह से हम थोड़ा समीक्षा कर रहे थे। स्वाभाविक रूप से मित्रों, हमारे लिए ये लोकसभा का चुनाव या अगर सारे उपचुनाव को अगर हम हिमाचल प्रदेश में देखें, इसमें मंडी लोकसभा का भी चुनाव परिणाम आशा के अनुरूप नहीं रहे। और स्वाभाविक रूप से प्रदेश के मुख्यमंत्री के बताओ, मैंने उसी ही दिन शिमला में पत्रकार वार्ता करते हुए इस जिम्मेवारी को स्वीकार किया। जो जनमत प्रदेश की जनता ने दिया, इन जिन विधानसभा क्षेत्र में या लोकसभा क्षेत्र में जो ये चुनाव जहां हो रहा था, उस जनमत को मैं स्वीकार करता हूं। और जो कमी रह गई, कसर रह गई, उसकी कमी को अपने ऊपर लेकर के स्वीकार। ये सबसे बड़ी जिम्मेवारी मेरी और इस जनमत को मैं स्वीकार करते हुए सभी चुने हुए प्रतिनिधि, चाहे वो विधानसभा के उपचुनाव में जीते हैं, चाहे वो लोकसभा के या फिर सांसद बने, उनको सबको बधाई। हिमाचल प्रदेश में भाजपा विधायक दल की बैठक 26 नवंबर को होटल पीटर हॉप में होने जा रही है। इस संबंध में संसदीय कार्य मंत्री की तरफ से सभी विधायकों और कैबिनेट मंत्रियों को सूचित कर दिया गया है। संसदीय कार्य मंत्री की तरफ से जारी सूचना में कहा गया है कि सभी विधायक और कैबिनेट मंत्री बैठक में उपस्थिति सुनिश्चित करें। 24, 25 और 26 नवंबर को भाजपा कार्य समिति की बैठक भी होने जा रही है। इस बैठक में उपचुनाव में हुई हार के कारणों को लेकर मंथन किया जाएगा। भाजपा कार्य समिति की बैठक के अंतिम दिन ही विधायक दल की बैठक रखी गई है। स्वच्छ रैंकिंग में शिमला शहर के पिछड़ने पर माकपा ने नगर निगम की कार्यप्रणाली को जिम्मेदार ठहराया है। शिमला नगर निगम के पूर्व उप महापौर व माकपा नेता टिकेंद्र पवन ने इसके लिए भाजपा शासित नगर निगम की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि नगर निगम शहर के लोगों को मूलभूत सुविधाएं देने में विफल रही है। उन्होंने कहा कि नगर निगम कार्य को सही तरीके से नहीं कर पा रहा है, यही वजह है कि शहर की रैंकिंग गिरी है। टिकेंद्र पवन ने आरोप लगाया कि निगम घरों से उठा रहे कूड़े को भी सही तरीके से डंप नहीं कर रहा है। लोगों को जिस तरह की सुविधाएं मिलनी चाहिए थी, वैसी नहीं मिल पा रही है।
शिमला नगर निगम के पूर्व उप महापौर टिकेंद्र पावर ने कहा कि कोविड के दौरान लोगों के घरों से कूड़ा उठाया नहीं और बिल हर महीने वसूले गए, जिससे लोगों ने भी अपना गलत फीडबैक दिया। उन्होंने कहा कि नगर निगम ने करोड़ों की सफाई मशीनें खरीद रखी है, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं हो रहा है। उन्होंने तंज कसा कि यह समझ से परे है कि नगर निगम को मंत्री चला रहे हैं या महापौर। उन्होंने कहा कि लोगों को निगम की कार्यप्रणाली पर विश्वास नहीं रहा है। वहीं स्मार्ट सिटी के कार्यों को लेकर भी टिकेंद्र पवन ने निशाना साधा और कहा कि कड़ी मेहनत के बाद शिमला स्मार्ट सिटी में शामिल हुआ, लेकिन नगर निगम शहर को स्मार्ट बनाने में असफल रहा है। उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी में शहर का कायाकल्प होना था, लेकिन निगम डंगे लगाने के अलावा कुछ नहीं कर पा रहा है। पूर्व उपमहापौर ने वर्तमान भाजपा शासित नगर निगम की कार्यप्रणाली पर कई तरह के सवाल या निशान लगाए। देखिए, सफाई व्यवस्था तो मैं ये समझता हूँ कि ये दरअसल मैं इस रैंकिंग को ज़्यादा तवज्जो नहीं देता हूँ और मैं ये रैंकिंग ही फ्रॉड मानता हूँ। वो इसलिए भी मैंने पिछले साल भी इस पर बड़ा एक्सटेंसिवली लिखा था कि जो कॉम्पिटिटिव सिटीज़ के नाम से जो बात करना कि ये ठीक नहीं है, क्योंकि कॉम्पिटिशन नहीं हो सकता जिस तरह से ये शहरों को सिर्फ उसकी डेमोग्राफी के हिसाब से, मतलब पॉपुलेशन के हिसाब से चुन रहे हैं, वो सही नहीं है। लेकिन ये सब कहने के बावजूद भी अगर आप देखेंगे तो शिमला में डिटोरेशन तो डेफिनेटली हुआ। आप ये नहीं कह सकते कि क्योंकि ये जो रैंकिंग का सिस्टम फ्रॉड था इसलिए यहाँ कोई मतलब गिरावट नहीं हुई। गिरावट बहुत ज़्यादा हुई है और गिरावट मुझे जो ज़्यादा लगती है वो ये है कि जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, जो इलेक्टेड बॉडी है, उसकी ओनरशिप शहर को लेकर, कि वो शहर की उनकी जिम्मेवारी है, उससे उनकी जो ओनरशिप है वो बहुत ज़्यादा कम हो गई है। और वो हमें दिखता ही है कि मतलब जैसे शहर को मतलब ये समझना कि अपना शहर है और इसके लिए जो कार्य करना है, और वो हमें लगता है कि बहुत ही मतलब गिरावट हुई है उसमें। और अगर आप ओवरऑल स्वास्थ्य भी देखेंगे तो जैसे जब कोविड का समय था तो मतलब आपने बिल्स जनरेट किए उन लोगों से भी, जो मतलब जब एक भी ग्राम कूड़ा नहीं निकल रहा था, लेकिन तब भी आप बिल जनरेट कर रहे थे। लेकिन बड़ी बात यह है जो समझने की ज़रूरत है कि बुनियादी बात क्या है जिसकी वजह से रैंकिंग गिरी है, सिटीजन्स पार्टिसिपेशन को लेकर, जो मैं इनके लिटरेचर देख रहा था कि लोगों को विश्वास ही नहीं है कि आप कुछ ठीक कर रहे हो। ये है जो सबसे बड़ी मार पड़ी है शिमला को। कि और दूसरी बात अगर आप देखेंगे तो सेग्रीगेशन कहाँ हो रही है पूरे दुनिया में। अगर आप देखें वेस्ट की जो सेग्रीगेशन है वो होना ज़रूरी है। लोग अगर घर में उसको अलग अलग कर भी रहे हैं, लिक्विड वेस्ट और सॉलिड वेस्ट, उसके बावजूद वो मिक्स होकर जा रहा है और उसके आप डंपिंग साइट देखेंगे तो वो पूरी लिशिएट है, मतलब पूरा वो काला पानी है जो निकल रहा है। अगर आप थोड़ा सा मतलब जो इनका जो डंपिंग साइट है ना, वो वेस्ट टू एनर्जी प्लांट चल रहा है। तो मुझे लगता है कि जो शिमला में गिरावट है बहुत ज़्यादा गिरावट है, एक्चुअली वो 100 से भी ज़्यादा नीचे है, मतलब आप वो उस तरह से छोड़िए। लेकिन ये जो सिस्टम है, मैं तो इस सिस्टम में विश्वास ही नहीं करता हूँ कि आप उसको आप दरकिनार भी अगर करेंगे, लेकिन गिरावट तो डेफिनेटली है, वो तो देखने में मिलती है। क्योंकि और मैंने उसके रीज़न बताया, एक तो जो शहर को ओन करना वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की ओनरशिप दिखती ही नहीं है, और इसलिए जो भागीदारी करना और जो जो सबसे बड़ी उसकी सफाई कर्मचारी है, उस सफाई कर्मचारी को जो फॉर्मल रूप से, क्योंकि वो बहुत बड़ा एक इनफॉर्मल सेक्टर है, सैब सोसाइटी में है, उनको पूरा जोड़ के रखना। तो एक तो ये है जो ओवरऑल हम क्लीनलीनेस और सैनिटेशन की बात करते हैं, दूसरा है जो म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट है, जो घरों से वेस्ट निकलता है, उस वेस्ट का कैसे ट्रीटमेंट हो रहा है, उसकी सेग्रीगेशन हो रही है कि नहीं हो रही है। और आप देखेंगे उसमें कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा है, सिर्फ आप इकट्ठा करके ला रहे हो, उसको डंप कर रहे हो। ये मेथड जो है वो सही मेथड नहीं है, और इसीलिए ये मतलब ये सिर्फ सफाई के हिसाब से नहीं, लेकिन अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो चाहे पानी के आप सवाल को ले लीजिए, मतलब जब हमने वो ग्रेटर शिमला वाटर सप्लाई सिवरेज सर्कल बनाया था GSWSSC, उसमें कहीं भी ये नहीं था कि वो शिमला म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से बाहर जाएगा। उसके पूरा टैरिफ सब कुछ तय होना चाहिए था, और बैक टू बैक विश्व बैंक से जब हम उसमें पैसा ले रहे थे, हमने विश्व बैंक को भी ये साफ कहा था कि हम ये नहीं होने देंगे। लेकिन अभी हम देखते हैं, हम मतलब हैरान हैं, आप प्रेजेंट जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन उनसे पूछ लीजिए, कोई ऑफिसर आकर ही राजी नहीं है क्योंकि वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से बाहर हो गया है। तो मैं जो बार बार ये बात कह रहा हूँ कि शिमला को ओन करना, मतलब ये समझना कि वो हमारा शहर है, वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में बहुत ज़्यादा गिरावट हो गई है। और अपना जो टाउन हॉल नहीं ले सकते हैं,
मतलब आप ये लगाएं कि मतलब इट्स अ पिटी, मतलब मुझे शर्म आती है बोलते हुए कि मतलब यही नहीं पता लगता है कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कौन चला रहा है, मंत्री जी चला रहे हैं या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मेयर या कोई और इलेक्टेड लोग चला रहे हैं, कौन कहाँ बैठेगा, कौन कहाँ क्या करेगा, ये तय करने वाला कोई मतलब बाहर से थोड़ा, मेरी बिल्डिंग है तो मुझे वहाँ तय करना है ना, हाउस कहाँ होगा, काउंसिल पूरे दुनिया में, मैं शायद पूरे दुनिया के करीब 100 शहरों में उनके मेयर के उनके टाउन हॉल देखकर आया हूँ, सब जगह टाउन हॉल बिलोंग्स टू द मेयर, टू द काउंसिल, यहाँ टाउन हॉल किसको है ना, काउंसिल, तो ये क्या हो रहा है? इसका कारण ये है कि ये जो बाहर जो ओनरशिप है, ये शहर से ना लगाव है ना प्यार है, और सिर्फ अपना छोटा मोटा काम निकालना, अपने वार्ड में डंगे लगा दिए चार, ये साहब शहर की विजन नहीं है। उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी ने मशोबरा एवं बलदया क्षेत्र का दौरा कर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मशोबरा और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नालदेना में वैक्सीनेशन केंद्र में वैक्सीनेशन की दूसरी डोज लगाने आए लोगों के साथ परस्पर संवाद किया। उन्होंने इस दौरान अधिकारियों को वैक्सीनेशन लगाने के कार्य में तेजी लाने और अधिक से अधिक लोगों को इस संबंध में जानकारी व जागरूक प्रदान कर कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने वैक्सीनेशन की दूसरी डोज के लिए नियुक्त कर्मियों को वैक्सीनेशन प्रक्रिया में तेजी लाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि 100% वैक्सीनेशन कार्य को 25 नवम्बर तक पूरा किया जाना सुनिश्चित करे। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में राजधानी शिमला के पिछड़ने पर विपक्षी दल मुकर हो गए हैं और इसके लिए नगर निगम की कार्यप्रणाली को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। कांग्रेस और माकपा ने आरोप लगाया कि भाजपा शासित नगर निगम की लच्चर कार्यप्रणाली के चलते स्वच्छ सर्वेक्षण में शिमला शहर पिछड़ गया है। कांग्रेस मुख्य प्रवक्ता नरेश चौहान और माकपा नेता संजय चौहान ने नगर निगम को हर मोर्चे पर विफल करार दिया है। माकपा नेता संजय चौहान ने कहा कि वर्ष 2016 में जब भाजपा सत्ता में नहीं थी उस समय स्वच्छता सर्वेक्षण की रैंकिंग में 26वां रैंक था, लेकिन जब से भाजपा सरकार और नगर निगम में सत्तासीन हुई है तब से ही प्रदेश में निजीकरण की नीतियां तेजी से लागू कर रही है और सरकार ने सभी सेवाओं जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, बिजली, सफाई जैसी जनता की मूलभूत आवश्यकताओं को निजी हाथों में सौंपने का कार्य किया है। संजय चौहान ने आरोप लगाया कि सरकार ने सभी विभागों में नियमित भर्तियों पर रोक लगा रखी है और आउटसोर्स ठेके पर भर्तियां की जा रही हैं। इनमें ठेका प्रथा को बढ़ावा दिया जा रहा है। अधिकांश भर्तियां आउटसोर्स व अंशकालिक रूप में की जा रही है। इसमें भी भाजपा चहेते ठेकेदारों की कंपनियों को फायदा देने के लिए कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि आज नगर निगम शिमला में ही 950 से अधिक सफाई व अन्य कर्मियों के पद खाली है और सरकार इनको भरने के लिए कोई भी कार्य नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि एक ओर निजीकरण की नीतियों से जनता पर अधिक टैक्स वसूली कर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डाला जा रहा है, वहीं दूसरी ओर इन कर्मियों का भी ठेकेदार व कंपनियों द्वारा शोषण किया जा रहा है। ये जो देश के अंदर स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 हुआ है, इसमें शिमला शहर का जो रैंक है वो पिछले वर्ष की तुलना में जो है 37 पायदान जो है गिरा है, क्योंकि पिछले वर्ष जो है ये स्वच्छता रैंक में शिमला जो है वो 65वें स्थान पर था और इस बार जो है 102वें स्थान पर ये आया है। सीपीएम का मानना ये है कि ये जो भाजपा की सरकार और नगर निगम जब से सत्तासीन हुई है, ये स्वाभाविक तौर पर जो विकास है उसमें जो है निजीकरण का रास्ता अपना रही है और सारा विकास जो है वो निजी कंपनियों और चेते ठेकेदारों को देने के लिए जो है वो कार्य कर रही है, जिसके चलते जो है ये जो मूलभूत आवश्यकताएं और सेवाएं जो जिम्मेवारी सरकार और नगर निगम की है, वो चाहे पीने का पानी है, चाहे बिजली है, चाहे सफाई की व्यवस्था है और अन्य जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं जो जिम्मेवारी सरकार की थी वो जो है उसको दे नहीं पा रही है और जिसके चलते जो है निरंतर आज शिमला शहर के अंदर जो है सेवाओं के अभाव में इसकी जो साख है वो गिरती जा रही है। हमारी पार्टी का मानना यह है कि प्रदेश सरकार जो है और नगर निगम जब पिछले 4 वर्षों से यहां पर आई है, अगर उससे पूर्व अगर आप देखेंगे 2016 में यही रैंकिंग जो है 26वां स्थान जो है शिमला को था, ये इम्प्रूव होने के बजाय जो है इसका स्तर जो है निरंतर गिरता गया। इसका मुख्य कारण जो है ये जो सेवा के जितने भी क्षेत्र है और जो ये नगर निगम है इसमें जो सरकार है इन्होंने जो है वो भर्तियों पर रोक लगा रखी है और आज सैकड़ों पद जो है नगर निगम के अंदर करीब 950 पद जिसमें सफाई कर्मचारी व अन्य कर्मचारी है वो जो है पद खाली है, जिसके चलते जो है आज शहर के अंदर सफाई की व्यवस्था चरमराई है, आज शहर के अंदर पीने के पानी की व्यवस्था चरमरा रही है, आज शहर के अंदर जो विकास है वो जो है पूरी तरह से थम गया है। ये जो नीतियां भाजपा की सरकार के द्वारा लागू की जा रही है,
नगर निगम जो है उसका अनुसरण कर रहा है। इन्हीं के चलते जो है आज शिमला शहर जो है वो विकास के रास्ते में जो है वो आगे जाने के बजाय पीछे जा रहा है। और ये जो आज स्वच्छता सर्वेक्षण में जो रैंकिंग भी आई है, इसका मुख्य कारण भी यही है, ये जो भाजपा की सरकार और नगर निगम के द्वारा जो है निरंतर जो है ये निजी कंपनियों को जो है, निजी ठेकेदारों को जो है फायदा देने के लिए काम करे। दूसरा महत्वपूर्ण घटना जो इसके अंदर है, क्योंकि जो शहर के विधायक है वो जो है शहरी विकास मंत्री भी है, मैं समझता कि इनका दायित्व बनता है कि शहर के लिए जो है नए विकास के आयाम जो है वो स्थापित किए जाते हैं। परंतु जिस प्रकार से जो पूर्व नगर निगम की योजनाएं हैं उनके ऊपर भी जो है अमल किया नहीं जा रहा है। वहीं कांग्रेस पार्टी के मुख्य प्रवक्ता नरेश चौहान ने आरोप लगाया कि भाजपा शासित नगर निगम ने पिछले 4 वर्षों में शहर में कोई विकास कार्य नहीं किया, केवल जनता पर टैक्स बढ़ाने का ही कार्य किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा शासित नगर निगम हर मोर्चे पर विफल रही है। आरोप लगाया कि निगम के अधिकारी और जनप्रतिनिधि केवल योजनाएं बनाने तक ही सीमित है। नरेश चौहान ने कहा कि एक ओर जनता पर आर्थिक बोझ डाला जा रहा है, दूसरी ओर सेवाओं में कटौती से इसके स्तर में गिरावट आ रही है, जिसका परिणाम स्वच्छता सर्वेक्षण में निरंतर गिरती रैंकिंग भी है और इसकी सीधी जिम्मेदारी नगर निगम की है। देखिए, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण रहा जो आज हमने भी देखा कि सर्वे में जिस प्रकार से शिमला म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को और शिमला शहर को सभी के प्रयासों से स्मार्ट सिटी में डाला गया था। जब हम स्मार्ट सिटी की बात करते हैं तो वहाँ रहने वाले लोग हों या बाहर के लोग हों तो उसको एक नज़रिया बदलता उनका उस शहर को देखने का, कि स्मार्ट सिटी का मतलब है कि हम एक ऐसे शहर में रह रहे हैं जहाँ हर तरह के सुविधाएं एक अव्वल दर्जे की होनी चाहिए। और जिस प्रकार ये सर्वे में स्वच्छता को लेके ही काफ़ी नीचे गिर गया, ये अपने आप में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और एक शैली हम पहले भी जिक्र किया हमने कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में पहली बार शिमला में भाजपा की बनेगी, उसके क्या कारण रहे वो एक पुरानी बात हो गई। लेकिन ये चीज़ बड़ी साफ तौर पे किनका जो कार्यकाल है 4.5 साल का म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का शिमला का 4.5 साल का कार्यकाल पूरा होने वाला है, वो आप लोगों के सामने, आप लोग ज़्यादा बेहतर इनके बीच उठते बैठते हैं कि शिमला के विकास की दृष्टि से और ये म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के चुने हुए लोग पूरी तरह से फेल रहे हैं और इनका अधिकतर समय आपस में लड़ने में और आपस के पार्टी के अंदर ही ग्रुपिज्म में बीत गया। शिमला शहर में आप सब जानते हैं 2 ग्रुप है, सुरेश भारद्वाज जी का है और दूसरे लोग हैं उनके उसी तरह के काउंसलर हैं, तो पूरा 5 साल का समय उसी में निकल गया और ये नुकसान ये स्वाभाविक था, होना था। अब ये सर्वे में अभी और बहुत चीज़ों में शिमला पिछड़ेगा क्योंकि आपने किया नहीं, आप प्लानिंग नहीं कर पाए, आप उसको आगे नहीं बढ़ा पाए। आप स्मार्ट सिटी के आधार पर शिमला की जो अगली योजना बननी थी 20 साल की, 25 साल की, 30 साल की, आप उसमें पिछड़ गए। तो ले दे के इन सारी बातों में शिमला की जनता का नुकसान हुआ है और शिमला एक अंतर्राष्ट्रीय नाम है टूरिज्म की दृष्टि से भी, शिमला शहर में पूरे देश का और विदेश का पर्यटक आता है। तो शिमला का स्टैंडर्ड एक हर बात में, चाहे साफ सफाई की बात हो, दूसरे मुद्दे हो, समस्याएं कम होने के बजाय बढ़ी है। तो ये जो 3 आपने जिक्र किया कि दिल्ली में भी भाजपा की सरकार है, शिमला में भी भाजपा की सरकार है और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन भी भाजपा की है, तो ये जो ट्रिपल इंजन की नारे वाली बातें करते हैं, स्लोगन्स देने तक भाजपा के लोग माहिर हैं केवल स्लोगन देने में, जब विकास की बात आती है, लोगों की समस्याओं की बात आती है तो ये पूरी तरह से फेल हो रहे हैं। तो ये सारे इंजन फेल हो रहे हैं, ये इंजन बड़ा हो, छोटा हो या कॉरपोरेशन का हो, अब समय आ चुका है कि आने वाला चुनाव अप्रैल मई में शिमला म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का होगा और शिमला की जनता इनकी कारगुजारी को अच्छी तरह देख चुकी है। मैं समझता हूँ यहाँ एक और बदलाव जो देखने को आपको मिलेगा। वहीं कांग्रेस और माकपा के आरोपों पर नगर निगम महापौर सत्या कौंडल ने कहा कि कोरोना काल में भी निगम के सफाई कर्मियों ने अपनी जिम्मेवारियों का बखूबी निर्वहन किया है, ईमानदारी से अपनी ड्यूटी निभाई है, लेकिन विपक्ष ने कभी इन सफाई कर्मियों की हौसला अफजाही नहीं की। हालांकि उन्होंने यह भी माना कि स्वच्छ सर्वेक्षण में पिछड़ने के पीछे कोविड भी कारण रहा है। उन्होंने कहा कि वैश्विक महामारी से उत्पन्न हुई स्थिति से निपटने में नगर निगम ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। निगम कर्मियों ने कोरोना योद्धा के तौर पर शहर में सफाई व्यवस्था कायम रखने के साथ साथ कोरोना पीड़ितों की भी सेवा की। ऐसे में केवल स्वच्छ सर्वेक्षण में थोड़ा पिछड़ने के नाम पर राजनीति करना सही नहीं है। उन्होंने कहा कि जो कमियां रही है उन्हें निकट भविष्य में सुधारा जाएगा।
आप देखिए, मैं तो जो इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं, मैं तो उनसे ये निवेदन करना चाहती हूँ कि आप लोगों ने जो हमारे नगर निगम के सफाई कर्मचारी सैफ कर्मचारी है, जिन्होंने अपने जान जोखिम में डाल करके शिमला शहर को स्वच्छ करने में अपना योगदान दिया, सभी लोगों ने उन्हें सम्मानित किया, लेकिन कांग्रेस वाले ने जो आज ऑब्जेक्शन कर रहे हैं और किस कभी भी इनको अप्रिशिएट नहीं किया, ना ही इनको सम्मानित किया। इन लोगों ने कोरोना के टाइम इतना काम किया कि जिसका कोई विवरण नहीं कर सकते। राज्यपाल जी ने इनको सम्मानित किया, इनको मुख्यमंत्री जी ने सम्मानित किया, अर्बन डेवलपमेंट मंत्री जी ने सम्मानित किया, समय समय पर जितने भी हमारे चाहे रोटरी क्लब वाले हैं चाहे रेड क्रॉस वाले हैं, इनको कंबल प्रोवाइड कर रहे हैं। पर मुझे इस बात का बड़ा दुख है कि इन्होंने किसी भी पार्टी ने इनको अप्रिशिएट नहीं किया। कोरोना के टाइम इन लोगों ने इतना काम किया। मैं समझती हूँ कि हमारे 34 वार्ड हैं, 34 वार्ड में सिर्फ हमारे पास दो सेंटर इंस्पेक्टर हैं, जो कोरोना के टाइम 12-12 लाशें एक साथ जलाई है, लेकिन किसी भी पार्टी ने इनको अप्रिशिएट नहीं किया। और सैनिटाइजर पूरे उसमें जो है इनके द्वारा किया गया, सफाई इनके द्वारा की गई। कोविड के जितने भी पेशेंट्स थे, अलग अलग घर से इन्होंने कूड़ा उठाया इन गरीब लोगों ने, और सफाई का इतना ध्यान रखा, और कोरोना के टाइम इतनी सफाई कभी नहीं हुई जितनी इन लोगों ने करी है। तो मेरा तो इन पार्टियों से ये आग्रह है और मेरा रिक्वेस्ट है कि आपको भी तो इन लोगों को सम्मानित करना था जिन्होंने इतना कठिन काम किया। मैं समझती हूँ हमें इस बात का दुख है कि हम सफाई में जरा थोड़े पीछे रह गए, लेकिन हमने लोगों की जानें भी तो बचानी थी और उनके लिए काम भी तो करना था। उनके घर से कोविड के पेशेंट के घर से अलग से कूड़ा भी उठाना था और लोगों को सुविधा भी देनी थी। और मैं तो अपने जो हमारे पार्षद है, मैं तो और जो हमारे अर्बन डेवलपमेंट मंत्री जी हैं, उन्होंने अपने स्वास्थ्य का ध्यान न रखते हुए दिन रात जो है गरीब लोगों को राशन बांटा, और जो हमारे डेवलपमेंट के कार्य है उनमें उनको रोका नहीं, क्योंकि इससे जो है जो हमारे गरीब लोग थे उनका रोजगार मिलना था। तो हम सब ने जितने भी हमारे पार्षद है सब ने इतना काम किया, 34 के 34 वार्डों ने, किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया। वैक्सीन उन्होंने लगवाई और जहाँ पे पॉजिटिव पेशेंट आता था कौंसलर वहाँ शुद्ध पार्टी लेकर के वहीं उनका टेस्ट करवाते थे। और मुझे बड़े दुख की बात है कि किसी भी पार्टी ने कभी अप्रिशिएट नहीं किया और ना ही इन गरीबों को सम्मानित किया है जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डाल के इतना काम किया। नगर निगम शिमला की महापौर सत्या कौंडल की अध्यक्षता में FCPC की बैठक आयोजित की गई। बैठक में शिमला नगर निगम के अंतर्गत आने वाले विभिन्न वार्डों में एम्बुलेंस रोड के निर्माण और अधर में लटके कार्यों को पूरा करने जैसे कई अन्य विकास कार्यों के लिए 10 करोड़ के एस्टिमेट पास किए गए। सोमवार को नगर निगम शिमला की महापौर सत्या कौंडल की अध्यक्षता में FCPC की बैठक आयोजित की गई। इस मौके पर राजधानी शिमला के अंतर्गत आते विभिन्न वार्डों में एम्बुलेंस रोड बनाने, अधर में लटके कार्यों को पूरा करने, बस स्टोर बनाने के विषय में 10 करोड़ के एस्टीमेट पास किए गए। इस मौके पर नगर निगम शिमला के विभिन्न वार्डों के पार्षद व निगम के अधिकारी बैठक में मौजूद रहे। मीडिया से बात करते हुए निगम की महापौर सत्या कौंडल ने जानकारी देते हुए बताया कि बैठक में शांति विहार में 3 एम्बुलेंस रोड, इंजन घर में 2 स्टोर, वार्ड नंबर 1 में एम्बुलेंस रोड, लोअर बाजार में सार्वजनिक शौचालय, पंता घाटी में पार्किंग और शक्ति विहार में रोड का काम पूरा करने हेतु एस्टीमेट पास किए गए हैं। इस मौके पर उन्होंने नगर निगम का कार्यालय एक छत के नीचे बनाने के विषय पर भी जानकारी दी। आप देखिए कि आचार संहिता के बाद जो है आज पहली बार FC की मीटिंग हुई है और इसमें शिमला शहर के डेवलपमेंट के बहुत सारे कार्य रुके थे, जो आज हमने लगभग 10 करोड़ के जो है एस्टीमेट पास किए हैं। इसमें ज़्यादातर जो एम्बुलेंस रोड और पार्किंग्स के और क्या नालों के एस्टीमेट पास किए हमने, और इसमें खासकर जो एस्टीमेट पास हुए जो अमृत में हमारे पास पैसा बचा हुआ था उसके उन पैसों से जो है हमने आज ये एस्टीमेट पास किए लगभग, और कुछ हमने स्मार्ट सिटी से भी पास किए हैं। शांति विहार में हम जो एम्बुलेंस रोड 2-3 एम्बुलेंस रोड बनाए हैं जो अमृत के तहत बनेंगे, 20-20 लाख के, 30-30 लाख के 3 एस्टीमेट हमने पास किए हैं। इंजन घर में 2 एम्बुलेंस रोड बननी थी 20 लाख की, 40 लाख की, ये भी हमने आज जो है FC से स्मार्ट सिटी से इसको जो है पास किया है, स्मार्ट सिटी के अंतर्गत इसको बनाएंगे। और वार्ड नंबर 1 में भी एक एम्बुलेंस रोड है, वो भी 40 लाख की लागत से बनेगा। और शक्ति विहार में जो वार्ड नंबर 22 जहाँ सड़के मतलब आधा काम रहा हुआ था उसको पूरा करने के लिए 24 लाख का एस्टिमेट आज हमने पास किया है। इसी तरह का बालूगंज एरिया में चक्कर में एक चैनलाइज नाला बनना था, उसका भी आज हमने जो है एस्टिमेट
पास किया है। और इसके बाद जो लोअर बाजार में जो टॉयलेट है उस टॉयलेट बनाने के लिए भी हमने आज 15 लाख का जो है एस्टिमेट पास किया है। इसी तरह से जैसे पंता घाटी में जो है एक पार्किंग बननी है उसके लिए हमने 26 लाख का जो है एस्टिमेट पास किया है। इस तरह के जितने भी डेवलपमेंट के कार्य थे इसके जो हमने लगभग 10 करोड़ की लागत से जो है आज हमने ये एस्टिमेट पास किया है एफसी से, और इसमें जो अंतिम निर्णय जो है साधारण बैठक में लिया जाएगा। देखिए ये बहुत ही चिंता का विषय है, ये कोई उषा एक कोई कंपनी है ब्रोको कंपनी है जो कि एक रोबे बना रहे थे जाखू के लिए, लेकिन कई बार उन्होंने जो इसमें एक्सटेंशन मांगी है जी हमारे को एक्सटेंशन दो, हमारा रोड क्लियर नहीं है, हमारे एस्टिमेट पास नहीं है। लेकिन आज हमने एफसी में निर्णय लिया है कि हम इनको अंतिम नोटिस देंगे, अगर इन्होंने ये कार्य करना तो सही है, नहीं तो हम इस काम को जो है रद्द कर देंगे, क्योंकि बहुत साले हो गए हैं, हम लोगों को भी हमने जवाब देना है कि आपका रोबे कम बनना है, पहले कंपनी जो है बार बार एक्सटेंशन मांग रही है, और इसलिए अभी इनको तुरंत साधारण बैठक के बाद हम इनको जो है नोटिस देंगे। देखिए जो मेरा एक सपना भी है कि नगर निगम का ऑफिस एक छत के नीचे बने और शिमला शहर की जनता को सारी सुविधाएं एक छत के नीचे बने, तो लगभग इसका जो है जो मतलब इसके नक्शे बने थे वो भी नक्शे भी आ चुके हैं और इसके अप्रूवल भी हो चुके हैं, स्मार्ट सिटी से लगभग 50 करोड़ रुपया भी हमें लगभग सेंक्शन हो चुका है, तो इसके जो जल्दी से जल्दी पास करके फैब्रिकल जो है स्ट्रक्चर बनना है और उस पर मैं समझती हूँ बहुत जल्दी बन सकता है, तो इस पर हम सबका जोर है कि मतलब ट्राई कर रहे हैं कि ये जो ऑफिस है ये जल्दी जल्दी बन जाए ताकि शिमला शहर की जनता को इसका फायदा हो और जो हमारे स्टाफ जगह जगह पे है वो भी एक छत के नीचे। सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग द्वारा चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का पात्र लोगों तक लाभ पहुंच सके इस दिशा में विभाग हर संभव प्रयास कर रहा है। तहसील कल्याण अधिकारी सुरेंद्र कुमार ने बताया कि विभाग द्वारा एससी एसटी और विभिन्न वर्ग विशेषकर महिलाओं के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाएँ शुरू की गई है जिसका पात्र लोग लाभ उठाएं। उन्होंने कहा कि योजनाओं से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए लोग मोबाइल नंबर 7018078397 पर संपर्क कर सकते हैं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश की ओर से अनुसूचित जातियों अन्य पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक और विशेष रूप से विशेष वर्ग के सशक्तिकरण के लिए योजनाएं चलाई जा रही है। मीडिया से बात करते हुए तहसील कल्याण अधिकारी सुरेंद्र कुमार बिमटा ने विभिन्न महत्वपूर्ण योजनाओं की जानकारी दी, साथ ही इस मौके पर कल्याण अधिकारी ने दूरभाष नंबर भी साझा किए ताकि आम जनता इन योजनाओं का लाभ उठा सके। हमारी जो विभाग की जो लोगों के लिए जो स्कीम्स है उसमें कुछ मुख्य मुख्य स्कीम्स के बारे में आपसे शेयर करना चाहूँगा, जिसमें अगर हम पेंशन की बात करें जो सबसे हमारी हर एक बुज़ुर्ग तक पहुँचती है, स्पेशली एक पेंशन की वैसे जानकारी हम पहले भी शेयर कर चुके हैं, तो आज मैं एक ऐड इसमें करना चाहूँगा। उसमें सरकार ने जो नया एक हमारा पेंशन स्टार्ट करी है उसमें 65 प्लस इयर्स की जितनी भी हमारी महिलाएं हैं माताएं हैं उनके लिए पेंशन शुरू की गई है, जहां पर उनकी अपनी या फिर उनके पति की कोई रिटायरमेंट वाली पेंशन ना हो। अब इसमें फ़र्क क्या आता है, जो वृद्धावस्था पेंशन होती है पहले ये होता था कि 60 to 69 में 35,000 की इनकम ली जाती थी या BPL का सर्टिफिकेट होना चाहिए था, पर इसमें माताओं के लिए ये एक रिलैक्सेशन मिली है कि अगर 65 प्लस ईयर्स की होंगे वो तो वहाँ पर उनके बेटों की इनकम अब नहीं काउंट की जाती, जिसमें हमारे अब काफ़ी केसेस आ भी रहे हैं। तो ये एक तो मैं ये सूचना लोगों तक पहुँचाना चाहता हूँ। शिमला शहर के अंदर अगर मैं आपसे दूसरी अब एक स्कीम की बात करूँ तो हमारे पास एक अनुवर्ती कार्यक्रम एक योजना है। अब इस योजना में होता क्या है कि इसमें सिलाई मशीन और इसमें औजार जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, शायद लोगों तक ये जानकारी नहीं हो, इसमें कंडीशन ये रहती है कि ये 35,000 की सालाना आय उसमें बहुत कंपलसरी है, और दूसरा इसमें आपको एससी ओबीसी ये दो श्रेणियों में ही दी जाती है। अगर कोई मान के चलिए आप कोई प्लम्बिंग का ही काम कर रहे हैं, कोई आपका कारपेंटर का काम कर रहे हैं, तो उसमें एक सब्सिडी फिक्स्ड अमाउंट है, 2-3-4 आइटम होती है उसमें, जैसे आपका उसमें ये प्लानर होता है और आपका ये एक रेती टाइप जो होती है प्लायर्स होता है, तो इस तरह की कुछ आइटम्स होती है जो काफ़ी यूज़फुल होती हैं, और जो आपका सिलाई मशीन है सिलाई मशीन में सिलाई मशीन के लिए ही सब्सिडी
भी दी जाती हैं। जो भी हमारी माताएं बहनें इसमें काम कर रही हैं सिलाई मशीन का, तो उनको भी ये गवर्नमेंट सब्सिडी देती है। छोटा सा एक कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, अंशदान उन्हें पे करना होता है, जो 300 से 500 के बीच रहता है, टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। बाकी मशीन की सारी जो सब्सिडी होती है गवर्नमेंट के द्वारा पे की जाती है। जी बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें हमारा देखिए, एक तो मैं पर्सनल नंबर बार बार अपना बताता रहता हूँ, जो भी मुझसे संपर्क करना चाहता है वो मेरे साथ 70 180 78 397, ये मेरा पर्सनल मोबाइल नंबर है, वो मेरे से जानकारी ले सकते हैं जब भी। और दूसरा जो हमारा ऑफिस का नंबर है, हमारा यहाँ पर 0177 जो कोड है वो आप जानते ही है, फिर हमारा ऑफिस का नंबर है 281-2526। इस पे आप 10 से 5 जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमें बड़ी खुशी होगी कि आप हमसे पूछें, हमसे जानकारी प्राप्त करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा हो। शिमला के अंबेडकर चौक पर 29 नवंबर को भारतीय मजदूर संघ द्वारा धरना प्रदर्शन किया जाएगा। संघ के प्रदेश महामंत्री यशपाल हेटा ने सरकार पर मजदूरों की मांगों को अनसुना करने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय मजदूर संघ की ओर से सरकार को 38 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा गया था, लेकिन 4 साल बीत जाने के बाद भी सरकार ने इस विषय पर गंभीरता नहीं दिखाई, जिससे मजदूर संघ आहत है और मजबूरन मांगों के समर्थन में सड़कों पर उतरने का फैसला लिया गया है। ये 29 को जो बहुत बड़ा आंदोलन हो रहा है शिमला में भारतीय मजदूर संघ का, ये मुख्य मांगे हमारी, आज से 4 साल पहले हमने सरकार को मांग पत्र दिया है, लेकिन उस मांग पत्र को सरकार बिल्कुल हल्के में ले रही है। हमारी जो 2 साल पहले यहाँ पे बैठक भी हुई थी सरकार के साथ भारतीय मजदूर संघ की, अच्छी बैठक हुई थी, उसमें आप हमारे श्रम मंत्री थे, सीएम साहब नहीं आ सके, लेकिन उसकी भी 2 सालों तक अभी सरकार ने प्रोसीडिंग नहीं निकाली है। तो हमें बड़ा दुख की बात है कि बड़े दुख से कहना पड़ रहा है कि अभी तक उसकी सरकार ने प्रोसीडिंग नहीं निकाली है। हाँ, जैसे हमारी मुख्य मांग ये है, कर्मचारियों की पुरानी पेंशन लेको है, निगम और बोर्डो में है जो 97-98 में पेंशन की नोटिफिकेशन हुई थी, हम सरकार से मांग कर रहे हैं आप उसको लागू करो, निगम बोर्ड में जो पेंशन मिल ताकि कर्मचारियों को, उसको भी लागू करके राजी नहीं है सरकार। हमने बोला कॉन्ट्रैक्ट के लिए, हम कॉन्ट्रैक्ट पीरियड 3 साल से 2 साल करने के लिए, हम आज से 4 साल पहले से चिल्ला रहे करो करो, वो सरकार नहीं कर रही है। आपके दैनिक भोगी है, हम बोले 5 साल से उनका पीरियड 3 साल करो 2 साल करो, वो सरकार करने के लिए राजी नहीं है। हम बोले आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए कोई पॉलिसी बनाओ, वो सरकार करने के लिए राजी नहीं है। हम बोले अंशकालीन आपके पटवारी है, अंशकालीन सहायक है, उनको बोले हम पटवारी का कोटा देकर उनके लिए कोई नीति बनाओ, वो सरकार करने से राजी नहीं है। आंगनबाड़ी आशा कार्यकर्ता, मिड डे मील, सिलाई कटाई, इनको हम बोले हजारों लाखों में है पूरी इनकी संख्या, हम बोले इनके लिए इनको कोई पॉलिसी के अंदर लाओ, वो सरकार करने के लिए राजी नहीं है। इस तरह की बहुत सारी मांगे आपके बिजली कोर्ट के टेक्निकल कर्मचारी है, बहुत सारी मांगे विभिन्न 38 सूत्रीय मांग पत्र है, हर मांग मैं नहीं बता पाऊंगा आपको, क्योंकि 38 सूत्रीय जो मांग पत्र हमने दिया है उसको रिवाइज करके परसों ही हमने सरकार को फिर से दिया है। रूपरेखा उसकी बहुत नई रूपरेखा होगी, एक इस तरह का आंदोलन हिमाचल के इतिहास में, कैपिटल में, राजधानी में पहली बार होगा भारतीय मजदूर संघ का। उसकी रूपरेखा हम भारतीय मजदूर संघ ने तैयार कर दी है, जो भी होंगी आपको बता दिया जाएगा। उस दिन आप आइए, आपका स्वागत है अपने अम्बेडकर चौक पे। उसके बाद हमारा एक बहुत बड़ा ज्ञापन कार्यक्रम भी होना, जिसकी हम आज डीसी को उसकी सूचना भी दे रहे हैं। चुनाव में अभी तो आपने देख लिया है, सरकार को सबक लेना चाहिए। आप, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि अगर माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने हाथ में कमान नहीं ली थी चुनाव की जल्दी, तो बहुत बड़ी हार होनी थी, हजारों से हारने थे, लेकिन चलो कम मार्जिन से हारे, लेकिन अभी भी सरकार ना भारतीय मजदूर संघ को नॉर्मल ले रही है, कुछ नहीं है, चलो ले। लेकिन मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, हम हिमाचल में भारतीय मजदूर सरकार को बनाने में और बिगाड़ने में अहम भूमिका निभाता है। हमारी 2.5 लाख की मेंबरशिप है, जिसमें सरकारी कर्मचारी और श्रमिक है, लेकिन जैसे आशा महासंघ है, अभी बड़ी बड़ी कंपनियों में, उद्योगों में हमारा काम तो लगभग हजारों में जुड़ रहे हैं लगातार। हाँ, जिस दिन से तो हमने आंदोलन की घोषणा की है, हमारे भी वर्कर संभालने मुश्किल हो गए, तो लगातार जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि श्रमिकों को पता है सारी पॉलिटिकली जो ट्रेड यूनियन है वो अपने अपने रोटियां सेकती है। भारतीय मजदूर संघ एक ऐसा संगठन है जो गैर राजनीतिक संगठन है और लड़ता है चाहे जो मर्जी सरकार हो। इसलिए मैं मीडिया की ओर से भी सरकार को अवगत कराना चाहता हूँ कि अब इसमें रहते हैं, आप सुधर जाइए।
केंद्र सरकार द्वारा तीन कृषि कानून वापस लेने के फैसले का हिमाचल प्रदेश के कृषि एवं पशुपालन मंत्री वीरेंद्र कंवर ने स्वागत किया है। कृषि मंत्री ने कहा कि तीनों कृषि कानून वापस लेने के बाद अब जल्द नए सिरे से किसानों के उत्थान के लिए कार्य किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में 70% जनता कृषि पर निर्भर करती है, ऐसे में किसानों की आय को बढ़ाने के लिए प्रदेश सरकार किसानों को नकदी फसलों से जोड़ेगी। इस दौरान वीरेंद्र कंवर ने विपक्षी दल कांग्रेस पर भी खूब निशाना साधा। मनरेगा की दो तरह की पेमेंट्स है, एक तो जो कामगार हैं उनकी पेमेंट्स है, एक मटेरियल्स की पेमेंट्स है। जो मटेरियल की पेमेंट है वो हमने एक पार्ट जो है उसका 80 करोड़ से ज्यादा जो है वो हमने उसको जारी कर दिया है, और एक हमने कॉर्पस फंड जो है वो तैयार किया है कि अगर सेंटर से पैसा आने में किसी कारण जो है वो कई बार टेक्निकल कारण भी रहते हैं जिसके कारण पेमेंट नहीं आ पाती है तो हमारे काम जो है वो प्रभावित नहीं होने चाहिए। और दूसरी जो है वो थोड़ी एक दो रिपोर्ट्स ब्लॉक से नहीं आई थी जिसके कारण सारी पेमेंट्स जो है था वो रोक दी थी। हमने उस रिपोर्ट्स को ठीक करके जो है वो केंद्र को भेजा है, शायद इस हफ्ते जो है वो पेमेंट आ जाएगी। जितने मैंडेट हमें मिले हैं 2.5 लाख के करीब जो हमें जितने मैंडेट जो हमें मिले थे इस पर हमने उससे ज्यादा जो है वो डिमांड किए हैं, और उम्मीद करते हैं कि हम अपने टारगेट से जो है वो आगे बढ़े हैं। जब 2017-18 में जहां प्रदेश के अंदर 250-300 करोड़ मनरेगा में खर्च होता था तो पिछले वर्ष हमने 900 करोड़ से ज्यादा खर्च किया है, और इस बार हम 1000 करोड़ से आगे बढ़ेंगे। हमने बहुत अच्छा काम जो है वो मनरेगा और ग्रामीण विकास के अंदर जो है वो किया है, पूरे हुए हैं। हमने बकायदा वहाँ पर GRS है जो उस फॉर्मेलिटीज को पूरा करते हैं और उसको पंजीकृत जो करवाते हैं। इसमें हमने बड़ा स्पष्ट रूप से कहा है कि राष्ट्रहित में जो मोदी जी ने जो निर्णय लिए हैं हम उनका स्वागत करते हैं, और मोदी जी ने कहा है कि अगर हमने किसानों को समझाने की पूरी कोशिश की है लेकिन हो सकता है कि किसान हमारी बात नहीं समझ पाए इसलिए हम उनको वापस ले रहे हैं। दूसरा, अब हम पहले भी ये कहते रहे हैं कि ये आंदोलन किसान आंदोलन नहीं है, ये विशुद्ध रूप से ये राजनीतिक आंदोलन है और देश की जनता जो है वो उसको जान चुकी है, और मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी ने अपना काम बखूबी से किया है। अब देश की जनता जो है उसमें निर्णय ली MSP को लेकर के आज से पहले कभी कोई कानून नहीं है। MSP स्मैश के ऊपर सरकारें जो है वो बढ़ाती रही हैं, और नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने ये पहले से ही दिन से ही ये घोषणा की है कि जितनी भी हमारी उपज होगी उससे अधिक जो है वो हम MSP जो है वो देंगे, और हाल ही में उन्होंने फसलों का MSP जो है वो 1.5 गुना से ज़्यादा जो है वो बढ़ाया है। मैं समझता हूँ कि इसमें जो है वो किसानों को इस तरह की जो मांगे रखना जो है वो कोई तर्क संगत नहीं है। हम अभी प्रदेश की कार्य समिति होगी, हम उसका आकलन करेंगे कि पूरब में हमसे कहाँ कोई कमी रह गई है, तो हम उन कमियों को दूर करते हुए हम फिर से जो है वो आगे बढ़ेंगे और 2022 में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश की अंदर सरकार बनाए। पार्टी ने 4 वर्ष में विकास के नए आयाम जो है वो प्रदेश के अंदर स्थापित किए हैं। अब मृत प्राय कांग्रेस जो पड़ी है उसको लगता है कि शायद इन यात्राओं को निकाल करके जो है वो जैसे बाकी राजनीतिक दल राजनीति करने के लिए जो है वो चुनावी दृष्टि से जो है वो यात्राएं निकालते हैं, वैसे कांग्रेस अपनी जो है वो भूमिका जो है वो कर रही है, और मुझे नहीं लगता है कि इन 4 वर्षों के बाद जो है वो कांग्रेस जो है वो जो ये सपने देख रही है उनके सपन जो है वो पूरे हो सकेंगे।
आजादी के अमृत महोत्सव के तहत भारतीय खाद्य निगम क्षेत्रीय कार्यालय न्यू शिमला स्थित सामुदायिक भवन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रदेश के सभी जिलों में ऐसे कार्यक्रम निगम द्वारा आयोजित किए जा रहे हैं। नगर निगम महापौर सत्या कौंडल कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शरीक हुई। इस मौके पर महापौर ने कहा कि भारतीय खाद्य निगम प्रदेश के किसानों एवं गरीब तबके के लोगों के लिए सराहनीय कार्य कर रहा है। उन्होंने प्रदेश में भंडारण क्षमता बढ़ाने के लिए निगम की प्रशंसा की। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत भारतीय खाद्य निगम क्षेत्रीय कार्यालय शिमला की ओर से न्यू शिमला स्थित सामुदायिक भवन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। गौरतलब है कि प्रदेश के सभी राजस्व जिलों में ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। शिमला में आयोजित कार्यक्रम के दौरान नगर निगम शिमला की महापौर सत्या कौंडल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस मौके पर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। साथ ही कार्यक्रम में कोविड काल के दौरान चलाई गई कल्याणकारी योजनाओं के विषय में लोगों से भी फीडबैक लिया गया। इस मौके पर नगर निगम शिमला की महापौर सत्या कौंडल ने उपस्थित जन समूह को भी संबोधित किया। गरीब कोरोना के टाइम गरीब लोगों की आते हैं, बहुत मदद की है, और जो बाहर से हमारे मजदूर थे, प्रवासी मजदूर थे, उनको आपने फ्री में राशन दिया है। इसके लिए भी मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और डिपो में गरीब लोगों को आप जो है समय समय पर राशन बांट रहे हैं, इसके लिए भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। पूरे हिमाचल प्रदेश में जो केंद्र सरकार की जो योजना है, आप पूरे हिमाचल प्रदेश में उसको जो है बड़ी खूबी से निभा रहे हैं, इसके लिए आप जो है बधाई के पात्र हैं। वहीं मीडिया से बात करते हुए खाद्य सुरक्षा अधिकारी अशोक कुमार ने खाद्य सुरक्षा सप्ताह महोत्सव की जानकारी दी। आज भारत सरकार के निर्देशानुसार हम आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मनाने के लिए आयोजन किया गया है। इसके अंतर्गत हम भारत सरकार द्वारा चलाई गई नीतियों के अंतर्गत COVID-19 के दौरान भारत सरकार द्वारा गरीबों के लिए जो वेलफेयर स्कीम चलाई गई, जिसमें कि 5 किलो वीट या राइस प्रति व्यक्ति के हिसाब से मुफ्त में वितरण किया गया। इसके अंतर्गत हमने सभी लाभार्थियों को इनवाइट किया गया, उनके व्यूज लिए गए, उनसे जानने की कोशिश की कि उनको इस दौरान भारतीय खाद्य निगम द्वारा दिए गए 5 किलो प्रति व्यक्ति के हिसाब से खाद्यान्न का लाभ कितना हुआ, और भारत सरकार द्वारा चलाई गई नीति के वो अनुसार वो क्या फील करते हैं, उनके द्वारा दिए गए फीडबैक के अनुसार सभी लाभार्थियों के विचार जाने गए। लाभार्थियों द्वारा बताया गया है कि COVID-19 के दौरान जब उनके पास कोई भी काम नहीं था, किसी भी तरीके से उनको काम नहीं मिला था, सारा लॉकडाउन था, उस दौरान
भारत सरकार द्वारा दिए गए 5 किलो वीट प्रति व्यक्ति के हिसाब से उनको बहुत फ़ायदा हुआ है, अन्यथा वो लोग बहुत परेशानी में होते। वो बहुत से बहुत खुश हैं और वो चाहते हैं कि भारत सरकार द्वारा किए गए कार्य के लिए वो कृतज्ञ हैं। हिमाचल खबरनामा के संग में इतना ही, नमस्कार।